ढूंढने आया हूँ, तू ये मैगजीन्स देख रहा है? कोशिश की मैंने बुलाने की तुझको, पर दिल न माने ये समझाए मुझको, कुछ तो बाकी है। पहाड़गंज पहाड़गंज चलो चलो पहाड़गंज, नई दिल्ली पुरानी दिल्ली की सारी दुकानें छान मरी मी, बस ये आखिरी दुकान बची है। अबे क्या रखा है इन बातों में, खुरपा ले ले हाथों में, बीवी जान बोल तो रहा हूँ, जैसे टिल्लू आ जाएगा उसे गल्ले पे बिठा के मैं घर आ जाऊंगा नल की टूटी ठीक करने। अरे अभी काट, मुझे ग्राहक का बिल काटना है भाई। हाँ भाई जान, हाँ? ये बीमारी है आपके पास? नहीं। अबे कभी पालना भी मत, जब से लिया है ना बीवी एक मिनट के लिए चैन नहीं लेने देती। दूध फट जाए तो फोन करती है, पड़ोसी झगड़े तो फोन करती है, छत पे कबूतर बैठ जाए तो फोन करती है, जब तक इसकी बैटरी खत्म ना हो जाए ना दना दन लगी रहती है फोन पे। भाई साहब, ओ भाई साहब, वो किताब देना। कौन सी? हाँ वही वही, लो भाई। एक सेकंड, कैप्टन क्या हो गया, ये अंग्रेजी में क्या बोल रहा है भाई? भाई साहब आपके पास एक और ऐसी किताब है? कमाल कर रहा है यार, अगर ऐसी किताब चाहिए तो इसी को क्यों नहीं ले लेता? बात ये भाई साहब कि आज से 3 साल पहले मेरी एक दोस्त थी प्रिया मल्होत्रा, उसने इसके पहले पेज पे अपना नाम और नंबर लिखा था। ये मेरा कार्ड है, अगर आपको एक और ऐसी किताब मिल जाए तो मैं आपको 5,000 रुपए देने के लिए तैयार। अबे क्या रखा इन बातों में, खुरपा ले ले हाथों में, इस किताब के 5,000 रुपए? अबे भाई जान ये तो कोई दिल का मामला लगता है। अरे घबराओ नहीं भाई जान, अगर वैसी किताब इजाज़ भाई के पास आ गई ना तो आप तक पहुंच ही जाएगी। ओ इजाज़ भाई, ऐसा ना हो प्रिया मल्होत्रा के नाम के साथ कोई भी नंबर लिख कर आप हमें वो किताब चिपका दो, सबसे पहले उस नंबर। अबे साइड हीरो कर दिया ना इज्जत का भरूदा। अबे इजाज़ भाई नाम है मेरा, सच्चा मुसलमान हूँ, 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूँ, और जो मुसलमान 5 टाइम की नमाज पढ़ता हो ना वो 5,000 रुपए के लिए 5 कौड़ी का झूठ नहीं बोलेगा कभी। माफी मांगता हूँ इजाज़ भाई, इसकी तो आदत ही खराब। अबे आदत चेंज करा इसकी यार। इजाज़ भाई। अबे टिल्लू आ गया तू, एक काम कर तू जल्दी गल्ले पे बैठ, मैं भाभी के नलके की टूटी ठीक करके आता हूँ। कहाँ चले अब? गाजियाबाद, फरीदाबाद, करनाल, गुड़गांव, शायद तेरी किताब वहां मिल जाए। चल। सुनिए भाई साहब, क्या है ये किताबें बेचनी मुझे, दिखाओ। काफी पुराने किताबें, 30 रुपए मिलेंगे। ठीक है दे दो। देता हूँ। अरे दिक्रा, मुबारक मुबारक, दिस फॉर यू। तुम्हारा एंगेजमेंट का खबर सुनकर हम बहुत खुश हुआ। एक बात बताओ दिक्रा, वो 50 रुपीज का नोट जिसमें एमी का नंबर था तुमको किधर मिला? क्या बात है दिक्रा, तुम चुप हो गया? मिसेस गांधी, मेरी एंगेजमेंट एमी से नहीं, जतिन से हो रही है। जतिन? ये जतिन? क्या बात है भाई, मेरे बारे में क्या डिस्कशन हो रहा है? मिसेस गांधी, ये है जतिन, जतिन ये है मिसेस गांधी, मैं इनके यहाँ पेइंग गेस्ट रहती थी। शी इज लाइक अ मदर टू मी। हेलो मिसेस गांधी। हेलो, हाउ आर यू? ओह फाइन। एक्सक्यूज मी, ही इज वेटिंग। ठीक है मैं भी आता हूँ। okay. आप मुझे जरा एक्सक्यूज करेंगे? प्लीज एंजॉय द पार्टी प्रिया। थैंक यू। क्या बात है मिसेस गांधी? कुछ नहीं टीकरा, 3 साल पहले जब तुम हमको इमी का स्टोरी सुनाया था तब से लेकर आज तक हम हर 50 रुपीज का नोट को अलट पलट कर देखता था, आज से हम ऐसा नहीं करेगा। शादी कब है तुम्हारा? कल मैं जतिन के साथ दिल्ली जा रही हूँ, परसों वहीं हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे। तुम दोनों को हमारे तरफ से एडवांस में मुबारकबाद। क्यों गुमसुम बैठे हुए मैं? कब से तुम्हें बुला रही हूँ? मुझे सोफे के कवर्स के लिए कलर्स चुने हैं, मुझे ये वाला पसंद है, तुम्हें? ये अच्छा है। ग्रेट। एमी भैया, ये आपका पुराना सामान है, देख लीजिए, कुछ काम का तो नहीं है, वरना मैं कबाड़ी को दे दूं। ओ!
देख, प्रिया बॉम्बे से दिल्ली 6 महीने का कोर्स करने के लिए आई थी, राइट? राइट। इसका मतलब उसका क्रेडिट कार्ड किसी बॉम्बे के बैंक का हो। हमें इस बिल से उस बैंक का पता करना है और उस बैंक से प्रिया का पता, सिंपल। आइए महाराज, आइए। वेलकम जी, वेलकम। थैंक यू। मेरा नाम प्रेम सिंह है जी। हाय। बोलो महाराज, क्या दिखाऊं आप? हमारे यहाँ कच्चे बनियान से लेकर 3-पीस सूट तक सब कुछ मिलता है जी। नहीं भाई साहब, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं यहाँ कुछ खरीदने नहीं आया हूँ, मेरी एक प्रॉब्लम है। आज से 3 साल पहले मैं और मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ पर एक स्कार्फ खरीदने आए थे। 3 साल पहले? या महाराज, मैनेजमेंट का असूल है कि कस्टमर को खरीदी हुई चीज बदलनी है तो 3 महीने के अंदर बदल सकता है, 3 साल के बाद नहीं। सॉरी भाई साहब, आप समझ नहीं रहे, मुझे कुछ बदलना नहीं है, मुझे पता करना है कि जिस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होती है वो कौन से बैंक का है। कमाल के टाइप के आदमी है महाराज आप। आपको खुद नहीं पता कि आपका क्रेडिट कार्ड कौन से बैंक का है? ओ भाई साहब, अरे फजूल की बात छोड़िए और ये रखिए। महाराज ये क्या है, क्या है ये? अरे अरे, ये तो नोट है 500 रुपए का। महाराज ये तो रिश्वत देने पे उतरा है। उठाओ नोट, चलो निकलो इधर से। आशीष ये क्या कर रहा है यार तू? प्रेम सिंह जैसे शरीफ आदमी के साथ रिश्वत की बात कर रहा है? माफी मांग। सॉरी। ठीक है ठीक है। प्रेम सिंह जी, कोई तो ऐसा तरीका होगा जिससे बैंक का पता चल जाए। महाराज। हाँ जी। जरा झुको। क्या है महाराज? मैं इस डिपार्टमेंटल स्टोर का हेड सेल्समैन हूँ। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू जी, थैंक यू। क्या है महाराज, मैनेजमेंट मुझे हर रोज 50,000 रुपए का माल बेचने का एक कोटा देती है। आप कुछ माल खरीद के मेरा कोटा पूरा कर दो, मैं आपका काम कर देता हूँ। अरे बाप रे, बड़ा चालू आदमी है ये। नहीं नहीं महाराज, चालू नहीं हूँ, अच्छा सेल्समैन। ये लीजिए महाराज। अच्छा महाराज, वो पुराना बिल देना जरा। हाँ जी, ये एक, 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 ये तो अब क्या हुआ? सॉरी महाराज, आपके इस बिल की डिटेल हमारे कंप्यूटर में है ही नहीं। इसमें 1 साल पुराना ही सेल्स रिकॉर्ड है। क्या मतलब है आपका? मतलब क्या आपका? हाँ? महाराज गला छोड़ो, गला छोड़ो। ओ जी, मुझे भी इस बात का आज ही पता चला। एक्चुअली हमारे पुराने सेल का रिकॉर्ड हमारे गोडाउन में है जो चांदनी चौक में है। महाराज सुनो तो, लेकिन आज वहां छुट्टी है और कल आपको मेरे बगैर कोई घुसने भी नहीं देगा। तो ठीक है, कल आप मेरे साथ वहां चलो जी। ओके। धीरे 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 चुपके 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 धीरे। मैम, मैम आपका फोन। हेलो। हे स्वीटहार्ट, कहाँ हो तुम? जतिन गाने की एडिटिंग कर रही हूँ। हेलो हेलो हेलो। बेबी तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, एक सेकंड में बाहर आती हूँ। हाँ जतिन बोलो। बेबी एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, हम कल दिल्ली नहीं जा सकते और शादी भी 2 दिन पोस्टपोन करनी पड़ेगी। क्यों? दरअसल मुझे एक म्यूजिक डायरेक्टर ने बहुत बड़ा ब्रेक दिया है बेबी, प्लेबैक सिंगिंग करने के लिए। 2 दिन? लेकिन मैंने सारे शेड्यूल इसी हिसाब से एडजस्ट किए हैं। हे बेबी देखो, अगर तुम कहो तो मैं ये रिकॉर्डिंग कैंसिल कर दूंगा। नहीं कोई बात नहीं, डोंट डू दैट। बेबी देखो, तुम नाराज तो नहीं हो ना? नहीं। दैट्स माय गर्ल। ओके बाय। महाराज, जिस तरह ये पुराने बिल आप जमीन पर फेंक रहे हैं ना, उसी तरह जाते समय आपको उठाने भी पड़ेंगे। पता है? अरे मिल गया यार! I can't believe it, dude! हाँ मिल गया। आशीष, किधर है तू यार? अरे मुझे बिल मिल गया। आराम से। ए क्या कर रहे हो? Stop it! Confirm करने दो यार। इसको तुम्हें आज महाराज कपड़े क्यों उतार रहे हो? जल्दी महाराज, बिली तो फटा है। मिलेंगे मिलेंगे। HSBC बैंक, सैंटा क्रूज वेस्ट, मुंबई। ओ जी मुआ। आशीष जल्दी करना यार। ओ हीरो, ये गाड़ी ऐसे मैं चला सकता, उड़ा नहीं सकता यार। प्लेन उड़ गया तो? यार रमी मैं चला रहा हूँ यार। कम ऑन लेट्स गो आशीष, कम ऑन मैन। मामा मी है यार। हेलो। घर आई तो डैड ने बताया कि तुम सडनली मुंबई जा रहे हो। हाँ एक्चुअली वो अमेरिका से कॉल आया तो क्लाइंट से अर्जेंटली मिलने मुंबई जाना पड़ रहा है। लेकिन वापस कब लौटोगे? बस 1-2 दिन में काम होते ही वापस आ जाऊंगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स। हेलो। हे जान। जतिन, आज शाम दिल्ली जाने की सोच रही हूँ। दिल्ली जाने का सोच रही हो? लेकिन बेबी, शादी करने के लिए एक लड़की के साथ एक लड़के का होना बहुत जरूरी है। मजाक बंद करो जतिन। देखो वैसे भी तुम 4 दिन बाद दिल्ली आ रहे हो, तो मैंने सोच लिया कि मैं पुराने फ्रेंड से मिल लूं। ओके स्वीटहार्ट, व्हाटएवर यू से।
वैसे भी शादी के बाद तो तुम्हारी हर बात माननी पड़ेगी, तो क्यों ना अभी से ही मैं प्रैक्टिस शुरू कर दूं। थैंक यू जतिन। ओके स्वीटहार्ट, बाय बाय। आप लोग कहां से आए साहब? हम लोग दिल्ली से भाई साहब। कितना टाइम लगेगा? डेढ़ दो घंटा तो लग ही जाएगा। डेढ़ दो घंटा? मगर किसने बताया एयरपोर्ट तो सांता क्रूज में ही है। क्या है भाई साहब, आपकी दिल्ली में जैसे नई दिल्ली पुरानी दिल्ली है, वैसे ही मुंबई में सांता क्रूज ईस्ट और सांता क्रूज वेस्ट है। बहुत घूमना पड़ता है, वर्ली दादर बाइक। अच्छा ठीक है, तो आप जरा जल्दी कीजिए प्लीज। ओके चल चल, अभी चलता है। ये रहा एचएसबीसी। देखिए भाई साहब, मुझे सिर्फ 5 मिनट का काम है, मुझे कोई चेक पे कैश नहीं कराना है, सिर्फ क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट जाना। देखिए आपको जो भी काम है परसों सुबह आइएगा। परसों सुबह? कल बैंक हॉलीडे ना। अच्छा भाई, यहाँ कोई नजदीक में होटल है? हाँ, अब बगल में एयरपोर्ट है, वहीं पे अच्छे खासा होटल मिल जाएंगे आपको। अरे हम तो 2 घंटे से चक्कर लगा रहे हैं यार, एयरपोर्ट से आए अभी। अरे साहब, एयरपोर्ट यहाँ से 15 मिनट की दूरी पर है, लगता है टैक्सी वाला आपको बेवकूफ बना गया। हाँ।